ठीक है, तो आपने 24 लाख रुपए जमा किया, तकरीबन 8 लाख के ऊपर आपको मिल गया इंटरेस्ट रेट 852,997 रुपये का, ठीक है, और टोटल मेच्योरिटी 32 लाख के आसपास आपकी देखने को मिलेगी। तो क्या हालचाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी बेहतरीन सेविंग स्कीम लेकर के आया हूँ जहाँ पे ना तो आपको एक मुश्त पैसा जमा कराना है, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, सेफ्टी भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी और साथ के साथ में गारंटीड रिटर्न्स की गारंटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में 5.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। स्कीम क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसके लिए मैं लेकर के आया हूँ आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया की वेबसाइट पे ऊपर, और इसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी इसको जा करके इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट है क्या। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी सेविंग स्कीम है जहाँ पर आप लमसम पैसा जमा कराने की बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते हैं। आप अपना अमाउंट खुद चूज़ कर सकते हैं कि हर महीने आपको कितना पैसा जमा कराना है, अपनी ड्यूरेशन भी खुद चूज़ कर सकते हैं कि कितने दिनों तक आपको पैसे जमा कराने हैं। उसके चूज़ करने के बाद आपकी रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट हो जाती है और हर महीने आप उतना पैसा जमा कराएंगे जितने टाइम के लिए आपने चूज़ कर रखी है। किस तरीके से काम करती है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया मंथली डिपॉजिट आपको चूज़ करना है, टेन्योर आप चूज़ करिए, उसके बाद में फिक्स अमाउंट जो भी हर महीने आपको दिया है वो टेन्योर तक आपको देना है इसके अंदर, ठीक है। फीचर की अगर बात करें तो फीचर बहुत ही सिंपल है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, गारंटीड रिटर्न्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये सेविंग स्कीम आपकी मदद भी करती है एक तरीके से सेविंग की हैबिट को रेगुलेट करने में या जनरेट करने में। अगर आप सेविंग नहीं कर पाते, पैसा नहीं बचा पाते, तो ये सेविंग स्कीम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं पे अगर बात करें तो जो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 0.5% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन यहाँ पे इस सेविंग स्कीम के अंदर देखने को मिलता है। टैक्स सेविंग की अगर बात करें तो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत में आपको देखने को मिलता है, न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली और ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली। बात करेंगे कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, देखिए कोई भी इंडियन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है अपने लिए, या फिर इस अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, सेविंग स्कीम का ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है दो एडल्ट के साथ में मिलकर के। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कितना है, कितने से हम अपना अमाउंट जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो डिपॉजिट लिमिट के अंदर मिनिमम 100 रुपये, हर महीने 100 रुपये से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं, कितना भी पैसा आप इसको अंदर जमा करा सकते हैं। डिपॉजिट मल्टीपल होना चाहिए 10 रुपये में, यानी कि आप इसके अंदर 40 रुपये, 50 रुपये, 110, 130, 140 रुपये के आसपास जमा करा सकते हैं, या 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ में पेनल्टी फॉर नॉन डिपॉजिट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके अंदर पैसा नहीं जमा कराते हर महीने तो उसके ऊपर आपको कुछ पेनल्टी पे करनी होती है, वो अकाउंट ओपनिंग करते टाइम आपको बता दी जाएगी, यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कितने दिनों के लिए आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, 6 महीने के लिए ओपन कर सकते हैं, 10 साल के लिए ओपन कर सकते हैं, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, इस तरीके से आप अपना अमाउंट कर सकते हैं। कम से कम आपको मिनिमम 6 महीने के लिए अकाउंट ओपन करना है, और मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 साल के लिए आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। टर्म जो रहेगी वो देखिए यहाँ पे 3 महीने से लेकर के 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, हर महीने 3 ऐड कर दीजिए, 3 का पाड़ा पढ़ते चलिए, और जब तक 120 ना आ जाए तब तक आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया 5.8% के अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाती है। इंटरेस्ट क्रेडिट मेथड जो होता है, यानी हर महीने आपको कौन से तारीख को इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो 16 तारीख को इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। वहीं पे अगर आप 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो डेफिनेटली 1 तारीख को आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस अकाउंट को मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्रीमेच्योर क्लोज़र कराना है मुझे, तो आप वो फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जनरली आपको क्या होता है 1% के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जो भी आपका जो भी उस समय पे फिक्स डिपॉजिट के रेट होते हैं, ठीक है, या RD के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं उससे 1% कम करके आपको पैसा दे दिया जाएगा। इन फ्यूचर जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर लोन चाहिए, लोन की फैसिलिटी लेनी चाहिए, तो 90% तक आप अवेलेबल बैलेंस जो भी आपके रिकरिंग डिपॉजिट में होगा, अवेलेबल बैलेंस जो भी होगा उसका 90% तक आपको लोन भी मिल जाता है।
अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जॉब के चलते, बिजनेस के चलते एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कभी भी आप जाते हैं तो यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं लेकर के चल रहा हूँ कैलकुलेटर पे, जहाँ पे मैं आरडी कैलकुलेट करके बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे, इसके लिए मैं ग्रो के एप्लीकेशन पे लेकर के आ गया हूँ। और ग्रो के बारे में मैं बताता चलूँ, अगर अभी तक भी आपने ग्रो के ऊपर कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ से जा करके आप ग्रो के ऊपर अपना डिस्क्रिप्शन में से लिंक, उससे आप अपना क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो सके। आप इन स्टॉक के अंदर पैसे को लगा सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर। लेट सपोज दोस्तों, अब यहाँ पे 500 रुपये हर महीने से आपने जमा कराया, 500 रुपये हर महीने जमा कराते हैं आप, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.8% का अगर आपको मिलता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5.8% जो अभी करंट में चल रहे हैं, ठीक है ना, 5.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जमा किया, ठीक है, हर महीने 500 रुपये जमा कराए, तो आपने यहाँ पे कितने सालों के लिए पैसा जमा करा रहे हैं आप, ठीक है, वो पैसा आप करा रहे हैं 10 सालों के लिए। 10 साल के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऑल दो मैंने कैलकुलेटर का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप अपनी अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 500 रुपये के हिसाब से हर महीने जमा कराने पे आपके 10 साल में 60,000 रुपये जमा किए, 21,330 रुपये का इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर मिल गया और टोटल जो मैच्योरिटी आपको 10 साल के बाद मिलेगी 81,330 रुपये की मिलेगी। वहीं पे अगर आप इसके अंदर अगर हर महीने पैसे जमा कराते हैं, जैसे कि 1,000 रुपये हर महीने आपने जमा कराया तो 1,20,000 रुपये आपने जमा किया, टोटल इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल गया, 42,000 रुपये का, टोटल मैच्योरिटी 1,62,643 रुपये की मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। हर महीने अगर आप इसके अंदर 5,000 रुपये जमा कराते हैं तो 5,000 के आसपास अगर आप जमा कराते हैं तो 6,00,000 रुपये का इंटरेस्ट आपने जमा कराया, टोटल मैच्योरिटी आपको मिलेगी, ठीक है, 8,13,232 रुपये की, जिसके अंदर 2,13,232 रुपये आपके रहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने गेन किया है इसके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, ये जो डार्क वाला पार्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, और ये जो लाइट वाला पार्ट है ये क्या है, इतना पैसा आपने जमा कराया, ठीक। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर 20,000 रुपये महीने का जमा कराते हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, 20,000 रुपये जमा करा रहे हैं हर महीने, तो वहीं पे अगर आप देखेंगे तो कितना पैसा आपने जमा किया, ठीक है, तो आपने 24,00,000 रुपये जमा किया, तकरीबन 8,00,000 के ऊपर आपको मिल गया इंटरेस्ट रेट 8,52,997 रुपये का, ठीक है, और टोटल मैच्योरिटी 32,00,000 के आसपास आपकी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप अपनी अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप बीच का अमाउंट, जैसे कि 35,000 रुपये आप जमा कराते हैं या आप हर महीने 7,000 रुपये जमा कराना चाहते हैं या 700 रुपये से अपनी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, 900 रुपये से करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके आप कैलकुलेट बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर बताता चलूं, अगर अभी तक आपने कोई ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया, डीमैट अकाउंट नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे तो करना ज़रूरी है, इसको करना स्टार्ट कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, जिसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ग्रो के साथ में बिल्कुल फ्री, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना, ग्रो के साथ में जा करके आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन की डिवाइस पे या कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले देखने को मिल जाए। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।